क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है, हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है, हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? गाली कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है? नहीं, गाली तो गाली क्या, गाली कैसे, गाली कैसे बताएंगे थोड़ा सा? हम यही पूछ रहे सर आपसे कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ था दिखाओ। अरे एक मिनट, हिंदू शब्द गाली कैसे दे रहा है वो पूछने दीजिए ना, रुक जाए बारी भाई, उसका जवाब दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो इस पर चलाना चाहिए, इस पर चलाना चाहिए, इस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए, क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए, चलो 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 उधर उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? मैं कर लू, आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? आज जो हो रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो आप? एक मिनट, आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? एक मिनट, आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर? हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। आप से बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। सर आपने पूछ लेते हो, पूछ लेते हो, आपको ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है, हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? गाली कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है? नहीं, गाली तो गाली क्या, गाली कैसे, गाली कैसे बताएंगे थोड़ा सा? हम यही पूछ रहे सर आपसे कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ था दिखाओ। अरे एक मिनट, हिंदू शब्द गाली कैसे दे रहा है वो पूछने दीजिए ना, रुक जाए बारी भाई। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना, नहीं है, नहीं है बिल्कुल, लेकिन हिंदू हिंदू शब्द। सर एक सवाल, रुक जाओ, चलो मेरा दिया भाई, 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है, एडमिशन कैसे होता है, कौन लिखता है? सर आप ही की बात बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, बुरा मत मानना। एग्जांपल आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो, उन्होंने लिखवाया होगा ना। अरे ये तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूँ। आप समझते नहीं हो, ये तो
ऐलान यह कहा था कि मैं गिनाव करता हूँ। आप सीधे आपने सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। आप और आपके हम उम्र जो लोग हैं, आप जिनको पता चला रियल का रियलिटी का सच आएगा, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवा है? रिलीजन के कॉलम में कौन से आपने आपके जो लोग कंजीम में है, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? कुछ भी नहीं दे रहा आपको, बहुत बार हो गया है। अरे आप पूछने तो दीजिए, अरे पूछने तो दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए उनको, छोड़ जाएंगे सर, उनको पूछने दीजिए, उनका सवाल हो गया, जवाब दे दीजिए। अरे मेरा आएगी अभी बारी आएगी, जबरदस्ती है कोई, जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है? कानून भारत में नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे? अरे भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में सवाल के बजाय बाजी कर रहे हो। अरे सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए ना, वो पामन साहब मुसलमान को साथ में ले लेना चाहिए, अपना पहले करना, पामन साहब नहीं है, पामन साहब सवाल ले लीजिए, सवाल लेने का, सवाल लेने, सवाल लेने के लिए तुम इधर बोल रहे हो, सवाल ले लीजिए, सवाल पूछो, जवाब दे, सवाल ले लीजिए। सवाल ये है, आपने जब आपसे सवाल किया गया है मजहब के बारे में, आपसे आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया भाई, जवाब नहीं दे पा रहे तो साथियों को मतलब आप सवाल पूछेंगे जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ बराबर जवाब देते हैं हम, आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं है, हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। मान्यवाद, अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। तो ये कोई परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा देने का काम कर रहा है। आप मान्यवर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप थोड़ा सा ये तो समझिए, ये क्या कर रहे हो आप? पत्रकार धर्म का कोई एबीसीडी नहीं समझ रहे, अजीब किस्म की बात कर रहे हो आप? हमको ऑब्जेक्टिव यस, अरे अजीब किस्म की बात कर रहे हो? अपने पीछे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाए, पत्रकारों की जिम्मेदारी थी इसके बारे में जवाब पूछते। आप यहाँ थे ना, यहाँ के उधर कैसे चले? अजय मित्रा जी नजदीक आ जाइए, इनको पूछिए, चलो पूछिए। लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जी, आप कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं जी, देश की एकता अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाए? अब देखो आजादी के अंदर एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ, एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का सवाल जवाब किसने शुरू किया? आपने अभी कहा सर हिंदू, और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे में, कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? सर हम कह रहे हैं अपने जो अपने बोर्ड पे लाइन, हम कह रहे राष्ट्रीय एकता, सर वो एकता कहाँ है फिर? तो ये आपकी राय है, हमारी राय क्या है कि जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में बढ़ जाएंगे। हम ये कहें क्या बोले क्या सर, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की बात में अपनी बात क्यों? नुपुर शर्मा का मुद्दा सारे देश भर में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं, संविधान बचाने के लिए चर्चा
नहीं नुपुर शर्मा का तो मैंने शुरुआत नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई जब वो बोल रहे तो उनको बोलने दीजिए ना, आपकी बात हो गई है जवाब नहीं दिया। तो बोलने दो, देश की एकता कहाँ है? हिंदू बोले ना, मैं ये कह रहा हूँ। अरे दो में से कोई, अच्छा रुक जाओ, आप दो मिनट चेक करो। नहीं यही बोल रहे आप, अरे कभी इनको बोलने दो ना, इनको बोलने दो ना, आप बहुत सीधे घर में इतने आप उनको बोलने दे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बोलने क्यों नहीं दे रहे उसको, उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे, उसको क्यों रोक रहे हो आप? रोके तो बोलेंगे। अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में काम कर रहे हो। सर, हाँ बोलो, जब बोलो इसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब सबको अगर एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी? या हिंदू है सर, इसमें देश की एकता लिखा। अभी आपने जो हिंदू का वर्ड उगा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू की एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से आप एकता खतरे में पड़ गई? हिंदू है क्या? कुछ छुपा के रखा हो क्या? आप बोल रहे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब चले? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। मतलब आप हिंदू के, और इस वजह से 14 अगस्त 47 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। अरे एक बार विभाजन हो गया हिंदू मुसलमान की वजह से, एक बार विभाजन हो गया, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थेरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो। सर आप इसका मतलब हिंदू के अगेंस्ट है? हिंदुओं के अगेंस्ट है आप इसका मतलब? मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ ये कह रहा। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना सर। हिंदू है तो हिंदू है, बड़ा तमगा है देश में, उनके भी भावनाओं के ऊपर जाए ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, कोई और अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। अपनी बात, हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, आपने ये कहा हिंदू धर्म। 200% 200% साबित कर सकता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैं रेलवे में ट्रेवलिंग कर रहा, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा कि आप शामिल नहीं हो रहे, तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता है? देखिए ये बात नहीं चल रहा, कहा नहीं शामिल हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये बताइए ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क? तो उन्होंने कहा एक ही, उन्होंने कहा एक ही। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो? हुआ नाम है आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है, आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आपको। जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सत्य सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? है। अरे किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा ना हो, सबको सर पर बैठा हुआ है, वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता कि भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको, आप सिर्फ ये बताओ जो आ गए। नहीं सर आ गए, हम तो तैयार है बहस करने के लिए, आप प्रॉपर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तो हम प्रॉपर बहस। आपके सवालों के जवाब देने के बाद तो चुप हो गए थे सर, आप उल्टा घुमा रहे हो बातों को, कोई फायदा ही नहीं है। अब आप उल्टा घुमा रहे हैं, हर चीज को उल्टा उल्टा कहते रहोगे। बात करने दो, बात करने दो।
बात करने दो ना, काहे के लिए था। हाँ पूछो, चलो उसको भी रिकॉर्ड करो।